दोस्तों नमस्कार। लॉकडाउन सत्र के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सवाल इसी टॉपिक से आते रहते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा 2020 में। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिवेदी, और अगर आप ट्रैवल, एडवेंचर और ऑटोमोबाइल्स के शौकीन हैं तो एक बार यार मेरे चैनल को आके ज़रूर से देखो। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो बात यह है दोस्तों कि इंजन ऑयल से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों के दिमाग में, चाहे आप लोग मेरे वीडियोस देखे, चाहे किसी और के देखे, चाहे 10-15 वीडियोस देख लेंगे ना, तो मतलब आप समझो सीधे ट्रैक में चल रहे थे, लेकिन आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये मैंने क्या कर दिया यार। मैं मतलब कि नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यार, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ को समझना है। 10 तरीके से देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बात आता है दोस्तों, देखो इंजन ऑयल चेंज क्यों करवाना पड़ता है। अब आप नॉर्मल जा रहे हो सर्विस सेंटर में, नॉर्मल सर्विस हो रही है, इंजन ऑयल चेंज इसीलिए करवाना पड़ता है जब आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस, पिकअप, माइलेज, ओवरहीटिंग, ये सब का इश्यूज आता है ना, तब आपका दिमाग और ध्यान आता है इंजन ऑयल पे कि यार यहाँ से कुछ लोचा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप लोचा वहीं से है। अब बात है दोस्तों कि कौन सा इंजन ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ऊपर आई बटन में जाके चेक कर सकते हो कि मैंने इतने सारे वीडियोज़ बनाए हैं इंजन ऑयल से रिलेटेड, कैसे चूज़ करना है, कौन सा चूज़ करना है, किस सीजन के लिए कौन सा बेस्ट होगा, और फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी की है कि ये इंजन ऑयल इतने दिन में कैसा हो जाता है, कौन सा कंडीशंस में रहता है, किन कंडीशंस में इंजन ऑयल अच्छा रहता है, ये वो बहुत सारे वीडियोस बनाए यार, जाके एक बार आप देखो, प्लेलिस्ट भी चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ना कोई ज़्यादा टेक्निकल ना कोई कॉम्प्लेक्स, एकदम आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बात ऐसा है दोस्तों कि इंजन ऑयल अब आप देख रहे हो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है, तो इंजन ऑयल चेंज करना होगा। चलो हाँ भैया ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। तो अब बात है कि कौन सा हम इंजन ऑयल यूज़ करें। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इंजन ऑयल चेंज क्यों करना पड़ता है। एक्चुअली मतलब इंजन ऑयल में ही कुछ प्रॉब्लम है ना, इसीलिए चेंज करना पड़ रहा है, या फिर प्रॉब्लम आपकी जगह पे है। तो ये समझ जाओ, सपोज़ ये है लद्दाख, ये है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा रहता है, यहाँ पे भी एक बंदा रहता है, और दोनों ने रखा है स्प्लेंडर प्लस, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब स्प्लेंडर प्लस का जो ग्रेड है वो है 10W30। अब 10W30 का ग्रेड है, तो 10W30 क्या होता है ये समझ लो। सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, देखो जैसे ये मेरे पास कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10W30। तो 10 का मतलब होता है दोस्तों विंटर, और 30 का मतलब होता है इसका विस्कोसिटी। ठीक है, ये 10 डिग्री विंटर, मिनिमम 10 डिग्री टेम्परेचर तक ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और ये जो है मैक्सिमम 30 डिग्री या फिर 35 डिग्री तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है ये इंजन ऑयल। तो अब बात है कौन सा ग्रेड। तो लद्दाख और राजस्थान वालों ने दोनों स्प्लेंडर रखा हुआ है 10W30 का ग्रेड का। अब दोस्तों जो इंजीनियर सजेस्ट करते हैं वो लोग नॉर्मल कंडीशंस में एक ग्रेड बनाते हैं गाड़ी का। आप ओनर मैनुअल खोलो कोई गाड़ी का तो उसमें लिखा रहता है ग्रेड, या फिर गूगल पे भी सर्च मारोगे तो। अब क्या होता है कि लद्दाख वाले भी 10W30 डलवा रहे हैं सर्विस सेंटर में, और राजस्थान वाले भी 10W30 डलवा रहे हैं। तो इनके साथ क्या होगा कि इनका टेम्परेचर 10 से आगे बढ़ता ही नहीं है, मानो 10 से कम रहता है, और वो इंजन ऑयल शुरू होता है 10 पे काम करना। ठीक है, 10 से वो 30 तक काम करता है और इनका टेम्परेचर 10 से बढ़ता नहीं है। तो इनको क्या इश्यू होगा ना कि इनका कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत होगा। सबसे पहले इंजन ऑयल गर्म हो जाएगी, तभी ना वो इंजन में अच्छे से फैल पाएगी और अच्छा से अपना जो कारनामा दिखाती है वो कारनामा दिखा पाएगी। तो इन्हें क्या करना होगा, बार बार किक मारना होगा, बार बार किक मारना होगा, इंजन गर्म करना होगा, बार बार थ्रॉटल लेके गर्म करना होगा, इन्हें चलने में दिक्कत होगा, क्लच प्लेट पे इफेक्ट होगा, इनको माइलेज कम मिलेगा उस इंजन ऑयल में। अब बात करते हैं राजस्थान वाले का। इनका गाड़ी जो है वो बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ तो 30-40 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, इनका गाड़ी आराम से स्टार्ट हो गया क्योंकि इंजन ऑयल ने वर्क करना शुरू कर दिया, इंजन ऑयल गर्म हो गया, बेस्ट वर्क कर रहा है। लेकिन क्या होगा कि थोड़े देर के बाद इनकी जो गाड़ी है उसका इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने के बाद क्या होगा कि इंजन गर्म होता है तो जाहिर सी बात है इंजन ऑयल इंजन को कूल करने में भी बहुत ही मदद करता है। तो इंजन ऑयल इतना गर्म होगा जिसके कारण क्या होगा कि इंजन आवाज़ करने लगेगी, क्योंकि इंजन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं पाएगी क्योंकि वो अपने लेवल से ऊपर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इंजन ऑयल खोलने लगेगा, देखो
पानी खोलता है और खोलने के बाद इवापोरेट होने लगेगा। तो बहुत सारे इंजन्स में आपने देखा होगा कि इंजन ऑयल कम क्यों हो जाता है या फिर सूख क्यों जाता है, वजह यही रहती है। ठीक है, तो अब करना क्या है दोस्तों, अब आप लोगों को ये देखना है, क्यों मैं हर वीडियो में समझा चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, कि आप लोगों को ये तय करना है कि आप लोगों को सबसे पहले ग्रेड कौन सा डालना है। ठीक है, तो ग्रेड कैसे चूज करोगे, आपने टेम्परेचर देख लिया, आप किसी के यहाँ यार 10 से लेके 40 तक टेम्परेचर जाता है तो वो 10W40 डाले या फिर 10W50 डाले। अब किसी के यहाँ बहुत ठंडा है तो वो 0W20 डाले या 0W30 डाले। बहुत ही सिंपल है, आप अपना मिनिमम टेम्परेचर लिखो, मैक्सिमम टेम्परेचर लिख लो, मिनिमम से थोड़ा कम का ग्रेड ले लो, मैक्सिमम से थोड़ा ज़्यादा का ग्रेड ले लो। जाहिर सी बात है, गर्मी में अलग डाल लो, ठंडे में अलग डाल लो। मेरे को तो लगता है साल में 2 बार तो सभी लोगों के इंजन ऑयल चेंज होते हैं, 2 सीज़न में 2 इंजन ऑयल डाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा। गाड़ी नहीं पता तो ऊपर आई बटन में के देख लो, मैंने और भी अच्छे से समझा रखा है। अब बात आता है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इंजन ऑयल में टेक्नोलॉजी होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, मिनरल होते हैं। तो इतना सारा टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स क्या है, तो उसका भी वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में बना दिया। देखो यार, मैं सबका वीडियो आई बटन में बना चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं बताऊँगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, आप बहुत ही इजी तरीके से समझ पाते। अब देखो, मिनरल ऑयल बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है, सबसे सस्ता। सेमी सिंथेटिक ऑयल उससे ज़्यादा महंगा होता है, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल उससे ज़्यादा महंगा होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जैसी ऑयल डालोगे गाड़ी उतना अच्छा तरीक़े से परफॉर्म करेगा, लेकिन ये भी डिपेंड करता है दोस्तों ज़रूरतों पे। अब जैसे आप स्प्लेंडर रखे हो या फिर कोई 100 सीसी 125 सीसी की स्कूटी रखे हो, तो उसमें आपका जैसे यूजेस नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशंस में आप राइड करते हो, ऑफिस जाते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, घर आते हो, तो उसमें आप फुल्ली सिंथेटिक डाल के क्या करोगे, उतना केमिकल प्रोसेस वाला ऑयल, तो उसमें आप मिनरल ऑयल रखो। अब जैसे कि आप एक बाइक रखे हो, घूमते हो फिरते हो, थोड़ा एग्रेसिव भी राइड करते हो, तो उसमें आप सेमी सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हो या फिर मिनरल भी डाल सकते हो। अब फुली सिंथेटिक किनके लिए होता है, जो एकदम स्पोर्ट्स बाइक रखे, जो स्टंट्स करते हैं, लॉन्ग राइड्स करते हैं, हाई परफॉर्मेंस निकालते हैं अपने गाड़ी से, उनके लिए दोस्तों फुली सिंथेटिक ऑयल आता है, जिनका इंजन का सीसी ज़्यादा है उनके लिए आता है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से डलवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि फुली सिंथेटिक आप डाल दोगे स्प्लेंडर में तो गाड़ी ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो भी अच्छा चलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप मिनरल डाल दोगे रॉयल इनफील्ड में तो वो गाड़ी ख़राब चलने लगेगा, ऐसा नहीं है, चलेगा सब में, लेकिन वो डिपेंड करता है जितना अच्छा क्वालिटी का आप ऑयल डालोगे, इंजन की लाइफ उतनी ज़्यादा जाएगी, बियरिंग्स अच्छे से वर्क करेंगे, माइलेज अच्छा देगा गाड़ी, इंजन क्लीन रहेगा, जल्दी ऑयल गंदा नहीं होगा, जल्दी जलेगा नहीं, जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, बहुत सारा रीजन्स है दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली बात ये आता है कि बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा है। तो बेस्ट इंजन ऑयल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका सिस्टम के हिसाब से आपका यूज़ क्या है गाड़ी का, उसके हिसाब से आप कैसा इंजन ऑयल गाड़ी में डलवा रहे हो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक इंजन ऑयल के बारे में मैं बता दूँ और बोल दूँ कि ये डाल लो ये सबके लिए बेस्ट, वैसा नहीं होगा। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको रगड़ कंडीशन में गाड़ी चलाना है, आसान कंडीशन में चलाना है, आसान में चलाना है तो मिनरल डालो, रगड़ में चलाना है तो फुल्ली सिंथेटिक डालो, ग्रेड चूज़ करो अपने एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से, बहुत ही सिंपल है, बस चूज सेलेक्ट हो गया आप लोगों का इंजन ऑयल। अब इसके लिए आप मेरी वीडियो देखोगे या फिर दूसरे के देखोगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स वाला चीज नहीं यार, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे इस बात को, और उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो ऊपर आई बटन में बहुत सारे वीडियोज है या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर चेक करो, बहुत सारे मैंने इंजन ऑयल से रिलेटेड या फिर इंजन फ्लश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज बना के रखे हुए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, शेयर करना अपने दोस्तों से और बताना उन्हें भी, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों लॉकडाउन के और एक कमाल वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।